साथियों, इस वीडियो में कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, प्लॉट, घर, जमीन, खेत, जो भी खरीद रहे हैं, वहां पे आप फ्रॉड से बच जाएंगे। जैसे मान लीजिए कई बार डबल रजिस्ट्री का फ्रॉड है, या मान लीजिए कोई कब्जे का फ्रॉड है, दाखिल खारिज का फ्रॉड है, कई जमीन संबंधी फ्रॉड आजकल हो रहे हैं, उन सारे फ्रॉड से आप बच जाएंगे। ठीक है, ये नियम जो है ये है प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट का। ठीक है, ये क्या नियम है वो आप जान लीजिए। साथियों, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट ये कानून ये मानता है, ये कहता है कि जांच या तलाश से जानबूझकर प्रवृत्त रहना, यानी कि उसकी जांच पड़ताल न करना। एक व्यक्ति को कहा जाएगा कि उसे एक तथ्य की आनुवांशिक सूचना है, अगर तथ्य की जांच पड़ताल खोजबीन उसने जानबूझकर नहीं की है और ऐसे तथ्य की छानबीन करता और उसे करनी चाहिए थी तो तथ्यों की जानकारी उसे हो जाती। सीधा मतलब यह है साथियों, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें किसी का हित तो नहीं है, उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो नहीं है, वो प्रॉपर्टी किसी को बेची तो जा नहीं बेची जा चुकी है, तो ये सारे संबंधी जो है तथ्यों की छानबीन करनी चाहिए। कॉमन सा एक नियम है। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं जो कि आपको समझ में आ जाएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करें, कैसे आप डबल रजिस्ट्री वगैरह के फ्रॉड से आप बच सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथियों, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी जमीन खरीद रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई भी कानूनी सलाह ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, उदाहरण ये है कि आ अपना मकान, आ मान लीजिए आपका नाम है, अपना मकान बा को बंधक रखता है, बा यानी कि मैं हूं। ठीक है, बा मकान से संबंधित यानी कि मैं मकान से संबंधित स्वामित्व विलेख यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच पड़ताल से प्रवृत्त रहता है, यानी कि मैं जांच पड़ताल नहीं करता हूं उसकी। ठीक है, मकान आपका बंधक रखता हूं, गिरवी रखता हूं, लेकिन उस मकान की जांच पड़ताल नहीं करता हूं। ठीक है, बाद में पाया जाता है कि उस संपत्ति पर सा का भार है, किसी सी व्यक्ति का भी भार है उस पर। ठीक है, वो उसने भी इसे बंधक पहले से रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां कोर्ट ये माना जाएगा, कानून ये मानता है, कोर्ट भी ये मानेगा कि बा को यानी कि मुझे संपत्ति पर, उस मकान पर सा का भी लोन था, इसकी हमें सूचना थी, कोर्ट ये मानेगा। ठीक है, इसलिए साथियों, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहां पे आप उस प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज चेक करिए, सारे जो भी मान लीजिए उसके लोन तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ये कोई किसी को दोबारा बेची तो नहीं जा सकती, इसका कोई सरकारी जमीन तो नहीं है, सारी चीजें आपको स्वयं पता करनी होगी। बाद में आप कोर्ट में ये नहीं कह पाएंगे कि हमें पता नहीं, क्योंकि कोर्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट ये कहता है कि आप खुद इसकी जांच पड़ताल कीजिए। ठीक है, उदाहरण आपके सामने है। अब साथियों, हम बात करते हैं यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट सब चेक करने होंगे और किस प्रकार से चेक करें साथियों। ठीक है, और इस संबंध में कोई भी आपको सलाह लेनी है ले सकते, कॉन्टेक्ट नंबर हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फीस जमा करके सलाह ले सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग प्लॉट खरीदते हैं। ठीक है, तो प्लॉट पर सबसे पहले आपको यह देखनी चाहिए कि प्लॉट का वो मालिक कैसे बना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति आपको प्लॉट बेच रहा है तो आपको यह देखना चाहिए कि ए व्यक्ति मालिक कैसे बना, उसके लिए आपको चाहिए रजिस्ट्री। ठीक है, अब जिसने ए को बेचा है वो मालिक कैसे बना, उसने इलीगल तो नहीं करा दिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्री देखनी चाहिए, और हो सकता है तो रजिस्ट्री की चैन भी आपको मिल जाए तो वो भी देखनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मुझसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप मुझसे कहोगे कि श्रीमान जी आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसकी रजिस्ट्री दीजिए, क्योंकि आपने भी तो खरीदी होगी। ठीक है, तो मैं आपको रजिस्ट्री दूंगा। फिर रजिस्ट्री में आपको क्या क्या चेक करना है, रजिस्ट्री में आपको चेक करना है कि प्रॉपर्टी क्या है, उसका प्रॉपर्टी का नंबर क्या है, क्रेता विक्रेता का नाम क्या है, और यहाँ पे जो भी है उसको बंधक तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना है, और ये जो भी रजिस्ट्री हमने दिखाई है वो रजिस्टर ऑफिस में संपन्न है कि नहीं है, यानी कि रजिस्टर ऑफिस में लिखित है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हो सकता है मैं फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर लूं, तो जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे वही डेट की जब आप देखेंगे कि मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसमें लिखा हुआ रखा होगा, अगर फर्जी होगी तो रजिस्ट्री ऑफिस में मेंशन नहीं होगा, रजिस्ट्री ऑफिस में कोई रिकॉर्ड उस रजिस्ट्री संबंधित नहीं मिलेगा, तो आप रजिस्ट्री भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है साथियों वो होता है खतौनी। मान लीजिए मैंने जमीन खरीदी नहीं थी, मेरी पैतृक थी, अगर पैतृक जमीन हमारी थी तो हमारे पास होगी खतौनी। ठीक है,
तो आप खतौनी भी मुझसे देख सकते हैं। अब खतौनी में आप क्या क्या देखें, खतौनी में आप देखिए कि ये ट्रांसफरेबल लाइट वाली जमीन है कि नहीं, इसका दाखिल खारिज है कि नहीं, ठीक है, इस पर लोन संबंधी कोई समस्या तो नहीं है, ये जमीन किस श्रेणी की है, कोई तालाब वगैरह की जमीन नहीं है, ये सारी चीजें आपको खतौनी में देखनी है। अब इसके बाद साथियों क्या है, आपने रजिस्ट्री देख ली, खतौनी देख ली, अब आप खतौनी पर विश्वास न करें। मान लीजिए मैंने आपको खतौनी दिखाई, खतौनी में मेरा नाम है, ठीक है, आपने देखा, आपने कहा भाई ठीक है खतौनी में इसका नाम है तो मैं ले लेता हूं, रुक जाइए मत लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है खतौनी पर तो नाम होता है, जैसे मान लीजिए मेरा खतौनी पे नाम है, ठीक है, मैंने आपको बेच दिया पहली बार, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया रजिस्ट्री के बाद, तो वो जमीन मेरे नाम ही खतौनी में रहेगी, लेकिन वास्तविकता में मैं आपको बेच चुका हूं, ठीक है। अब मैं सी को दिखाता हूं वही खतौनी, सी कहेगा इसकी खतौनी नाम है, वो खरीद लेगा, ठीक है, लेकिन सी वहां बेचारा फंस जाएगा। तो इसके लिए साथियों आपको रजिस्ट्री भी चेक करना है, आपको खतौनी भी चेक करना है, और रजिस्ट्री और खतौनी चेक करने के बाद आपको यह चेक करना है कि इस जमीन की रजिस्ट्री इस व्यक्ति द्वारा कहीं की तो नहीं गई है लगभग 8-10 साल में। जैसे मान लीजिए मैं आपको संपत्ति कोई बेच रहा हूं, तो आप ये भी देख लें कि इस व्यक्ति ने ये संपत्ति पहले किसी व्यक्ति को तो नहीं बेच दी, पहले किसी व्यक्ति को रजिस्टर्ड तो नहीं करा दी, ये भी आपको चेक करना होगा। अब सारी सुविधाएं ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और यस मान लीजिए आपको कोई इस संबंध से कोई भी आपको समस्या आती है साथियों, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं भी आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक कर सकता हूं। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो 2017 से लेकर 2023 तक आपकी रजिस्ट्री चेक ऑनलाइन भी की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आपको चेक करना होगा कि जो भी प्रॉपर्टी है इसका कोई लोन तो नहीं है, उसने कोई लोन तो नहीं रखा रखा, कोई बंधक तो नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आप खतौनी चेक कर सकते हैं या रजिस्ट्री ऑफिस से नोड्यूज प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। ये तीन चीजें हो गई, तीन डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिए। चौथा जो होता है साथियों वो है नक्शा, जमीन का नक्शा। जमीन का नक्शा बेहद जरूरी है, क्यों जरूरी है और कैसे चेक करें, देखिए जमीन का नक्शा इसलिए जरूरी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि ये गाटा संख्या 106 है और ये रोड के किनारे ये है, ठीक है, इशारा करता है कि ये है, ठीक है, तो आपने उसने हाथ किया, आपने मान लिया कि भाई ये रोड के किनारे है, लेकिन एक्चुअल में गाटा संख्या 106 जो उसने बताया है वो नक्शे में कहां है, सरकारी नक्शे में कहां है, सरकारी नक्शे में रोड के पास है या रोड से दूर है, वो तो आप देखिए, ऐसा तो नहीं कि उसने बोल दिया रोड के पास है लेकिन नक्शे में वास्तविकता में वो रोड से बहुत पीछे है, ठीक है, लिखा दिया 106, जब आप बाद में आए तो आपको पता चला ये तो वही रोड से बहुत पीछे था, ठीक है, तो आपको उसका नक्शा भी चेक करना है। इसके बाद जो एक सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स होता है साथियों वो होता है आकार पत्र 41 और 45, ठीक है। आकार पत्र 41-45 किस लिए होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई जमीन जो है वो सरकारी तो नहीं है, ठीक है, आकार पत्र 41-45 जो होता है बहुत पुराना रिकॉर्ड होता है और ये बताता है कि ये किस श्रेणी की जमीन है और किसके नाम जमीन है, ठीक है, कोई सरकारी जमीन तो नहीं, तालाब की नहीं, ग्राम सभा की तो नहीं, तो ये सारी चीजें आपको वहां से पता लग जाएंगी। तो साथियों यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहां पे फीस जमा करके आप सलाह ले सकते हैं, और कोई भी आपकी अन्य जानकारी हो तो वो भी आप कमेंट में क्वेश्चन करिए या सोशल मीडिया मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।